रागिनी अब तुम रो मत, अब तो केस भी हमारी फेवर में है। तुम चिंता मत करो, रणवीर जल्द से जल्द छूट जाएगा। ऐसी फैमिली तो ना आज तक हमने देखी पर ना ही सुनी। अभी देवर संग घूमन लग रही है। और ये जीजी कीजा जी संग एक बात समझ में नहीं आई राजवंश साहब, आपस में घर में यूं मामला फिट कैसे करे हो? क्या कर लोगे तुम? तुम ही कहते हो ना कानून सबूत मांगता है, तो इस थप्पड़ का सबूत लेके आओ। रागिनी चलो। योना, जैसा कि मैंने पिछली सुनवाई में साबित किया है कि पुलिस ने रणवीर राजवंश के खिलाफ झूठा केस बनाया है। रणवीर राजवंश और राकेश गुप्ता के बीच महज थोड़ी सी हाथापाई हुई थी और थोड़ी देर के बाद रणवीर राजवंश ने यह देखा कि वो आदमी बुरी तरह से घायल हो गया है। ये सब कौन कर गया कोई नहीं जानता और किस लिए कर गया यह भी कोई नहीं जानता योना, लेकिन केवल इंसानियत के नाते रणवीर राजवंश ने उस आदमी को अस्पताल पहुंचाया। क्या सिर्फ ये एक बात काफी नहीं है कि रणवीर राजवंश कितने अच्छे इंसान है? और सिर्फ ये एक बात की वजह से मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि रणवीर जैसे नेक इंसान के जेल में बेवजह बंद रहने पर अदालत फिर से गौर करे। मिस्टर सिंघानिया सही फरमा रहे हैं, मैं भी यही चाहती कि मिस्टर रणवीर को जिस वजह से जेल में रखा गया है कानून का वो यकीन और भी मजबूत हो जाए। और इसलिए मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगी जो शक की हर गुंजाइश को मिटा दे। इजाजत है। थैंक यू आना। गवाह अदालत में पेश किया जाए। Your Honor, मेरा ये गवाह जिसका नाम चंदर है अस्पताल में पड़े राकेश गुप्ता का दोस्त है।
और ये उस वक्त राकेश गुप्ता के साथ मौका वारदात पर मौजूद था। आई ऑब्जेक्ट यू ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे हथकंडों से कोर्ट का वक्त जाया कर रही है। मौका वारदात में सिर्फ तीन लोग थे, एक रणवीर, दूसरा उसकी भाभी और तीसरा वो आदमी जो अस्पताल में बेहोश पड़ा है। ये वहाँ था ही नहीं। बिल्कुल था यू ऑनर, और ये बात इस गवाही के बाद साबित हो जाएगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, प्लीज प्रोसीड मिस वासुदेव। हाँ तो चंदर, अदालत को तुम ये बताओ कि इस हादसे के बारे में तुम क्या क्या जानते हो। शुरू से आखिर तक एक एक बात बताओ, वहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो जी, मेरा दोस्त राकेश और मैं, वो जगह थी ना रिसोर्ट, वहाँ हम कुछ काम से गए थे, वहाँ हम दोनों गुम हो गए थे। काफी बड़ी जो जगह थी, और जब हम स्विमिंग पूल के वहाँ पहुंचे थे तो मैंने उनको वहाँ देखा। हमने सोचा कि उनको पूछ लेते हैं कि इस जगह के बारे में। बात करते करते राकेश का हाथ जो है गलती से छू गया। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है। गवाही में दखल मत दीजिए। हाँ तो चंदर आगे बता। वहां ये साहब वहां पर आए, राकेश को अपनी भाभी के साथ खड़ा देखते हुए पता नहीं क्या कुछ सोचने लग गई है, और गुस्से में आ गए। गुस्से में आते ही इन्होंने, आप देखा ना, तब बस दे दनादन मारना शुरू कर दिया राकेश को। राकेश तो इनको समझाने की कोशिश कर रहा था जज साहब, लेकिन ये सुने तब ना ऐसा बेरहमी से मारा जनाब कि क्या बताऊं। यानी कि तुम्हारे कहने के मुताबिक राकेश को जो गहरी चोटें आई हैं वो उस मारपीट की वजह से आई है। हाँ जी, खून से लथपथ कर दिया था मेरे राका को इसने। वो बेहोशी की हालत में पड़ा था और इनकी भाभी इनको पीछे खींच कर लेते जा रही थी। तभी तभी इन्होंने रास्ते से एक रॉड उठाया और लौटकर फिर से इसके सर पे दे दरांदन मारना शुरू कर दिया। वो तो पहले से ही बेहोश पड़ा था। फिर क्या, अगर ये साहब उनको लौट कर फिर से ना मारते तो आज मेरे दोस्त की ये हालत नहीं होती जज साहब। यानी कि तुम कहना चाहते हो कि आज अगर राकेश कोमा में है, मौत से जूझ रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए कि मिस्टर रणवीर ने दोबारा लौट कर उसे रॉड से मारा। हाँ जी मैडम, हाथ और हथियार में फर्क होता है ना जी। That's all your honor. मेरे ख्याल से इस गवाही ने इस मुकदमे पर काफी रोशनी डाली है। डिफेंस को कुछ कहना है? मिस्टर सिंघानिया, आप विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे? मिस्टर सिंघानिया, आर यू ओके? योर ऑनर, सिंघानिया सर को अस्थमा की प्रॉब्लम है। डिफेंस लायर की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से आज की कार्रवाई रोक दी जाती है।
and the court is adjourned. वाह, क्या मौसम! खुली हवा का आनंद ही कुछ और होता है ना निष्ठा जी? मैंने कहा था ना कि मैं किसी को जीतने नहीं देता, मैं तो बस ऊंचा ही ऊंचा उठना चाहता हूं, ऊंचा। शायद आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि इस एक पल में आप कितना गिर गए हो। मैं तो ये सोचकर भाग गया है कि आपकी तबीयत वाकई में खराब है। खराबी आपके शरीर में नहीं, आपके दिमाग में। जीतने के लिए आप इतना गिर सकते हो? आपने ये कहावत तो सुनी है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सुनी है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस केस में आपको हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। आई विल सी टू दैट। निष्ठा जी, अभी तक ये रेस खत्म नहीं हुई है, और ये दौड़ सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हुई क्योंकि मैं अभी तक जीता नहीं। और ये जो आप मुझे हराने का सपना देख रही है ना, शौक से देखिए, ये टूटेगा जरूर, और जब ये टूटेगा तो मेरी जीत का आनंद दुगना हो जाएगा, खासकर तब जब मैं तुम्हें हारता हुआ देखूंगा। मिस निष्ठा वासुदेव, Absolutely fine, Alec. Thank you. लेकिन मिस्टर सिंघानिया, कोर्ट रूम में तो आप। मिसेस राजवंश, मैंने बताया था कानूनी दांव पेच। सच कोशी, मेरा तो खून जलता रहता है वीनू की बहू की एक एक हरकत देखकर। हाय, आए दिन नया झमेला, नया कलेश। इसने तो रिश्तों को ताक पर रख ही दिया है, पर वीनू, इसे क्या हो गया है? जोरों का गुलाम, उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, और तू भी बस हर वक्त वीनू की बहू की सेवा में लगी रहती है। छोड़ो ना माँ, जितना सोचो उतना ही मन खराब होता है। माँ जरा टमाटर देना। कल इस वक्त हम रागिनी के पास थे ना, कितना अच्छा लग रहा था उसे। याद कर रही होगी हमें? हाँ माँ, लेकिन क्या करें, अगर हमारे बाहर जाने से घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता है तो इससे बेहतर है कि घर पर ही रहे। माँ मिर्ची, माँ आप ही डाल दो, कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए। कोशी, मैं क्या तुझे जानती नहीं? तुझसे तो रसोई में कभी गलती नहीं होती। Thank you.
क्यों? अभी मम्मी सो रही है ना, अभी उठेगी तो पिलाएगी। ओ बच 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 बच। ओ गहरी नींद सोई है, थक गई होगी बेचारी। और बाहर चले। इतनी बड़ी बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई चाचा जी कि वहाँ एक आदमी और था जो हादसे का गवाह था? आपने इस बात का जिक्र भी नहीं किया मुझसे। तो वकील साहब, मैंने पहले दो आदमियों को देखा था, लेकिन बाद में जब मुझे एक आदमी छेड़ने आया तब दूसरा आदमी वहाँ नजर नहीं आ रहा था, वो था ही नहीं वहाँ पे वकील साहब। साधना जी, ये कैसे हो सकता है कि आपने उस आदमी को नहीं देखा लेकिन उसने सब कुछ देख लिया? आज कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात उसी ने बताई। वही बात जो मैं कोर्ट में नहीं लाना चाहता था कि रणवीर ने लौटकर उस अधमरे आदमी को फिर से रॉड से मारा। अगर आपने मुझे बता दिया होता कि राकेश के साथ एक आदमी और था तो मैं इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से निपटता, प्रोसिक्यूशन का पासा ही पलट देता मैं। लेकिन आपने मुझे हिंट तक नहीं दिया। ये तो अच्छा हुआ कि अस्थमा के बहाने से मैंने आज के लिए संभाल लिया, नहीं तो मिसेज राजवंश आज लेने के देने पड़ जाते हमें। साधना, अगर वो आदमी वहां नहीं होता तो इतना सब कुछ कैसे बता देता? वो जरूर वहां होगा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहां पे किसी को नहीं देखा था। जब वो आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था तब मैं अपने आप को बचाने में लगी थी। वहां मैं यहाँ वहां कैसे देखती, पता नहीं वो आदमी कहाँ छुपा हुआ था। हो जाता है साधना, ऐसा बेटा। उस वक्त तो आपकी इस पता नहीं की वजह से आज हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जानती हैं आप? जानती हैं? कम से कम ये बता देना चाहिए था कि राकेश के साथ एक आदमी और था, सिर्फ इतना ही। अफसोस, हम आज ही रणवीर को रिहा कर पाते लेकिन जरा सी गलती ने सारा खेल चौपट कर दिया। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की तुमने साधना? क्यों नहीं बताया इस आदमी के बारे में? अब क्या करें मिस्टर सिंघानिया, रणवीर छूट तो जाएगा ना। मिस्टर सिंघानिया, व्हाट डू यू सजेस्ट नाउ? सिंघानिया ने आज तक हार का मुंह नहीं देखा मिसेस राजवंश, और इस प्रॉब्लम को मैं अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दूंगा। डोंट वरी, रणवीर रिहा होगा, जरूर होगा। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स कलेक्ट करनी है, बाद में मैं आपके घर पे मिलता हूं। अनेक, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस खबर से रागिनी को कोई सदमा ना पहुंचे, ठीक है? जी। आओ चलते। क्या कहा कोर्ट में? झूठ बोला साहब, यही कि हम लोग रिसोर्ट में घूम हो गए थे और साधना जी से रास्ता पूछ रहे थे, और फिर क्या, बात करते करते गलती से मेरे दोस्त का हाथ लग गया और रणवीर ने बिना कुछ सोचे समझे उसे मारना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि हम उसे छेड़ने आए हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, काफी समझदार हो तुम। Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।